अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रुबीनाज़ ज़ायका। आज हम बना रहे हैं चटपटी और मज़ेदार सी कैरी की चटनी, जो कि बहुत ही झटपट और कम मसालों के साथ बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरी की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं दो बड़े साइज़ की कैरियाँ, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। उसी के साथ हमें लगेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा हरा धनिया और कड़ी पत्ता, और साथ ही हमें लगेगा 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून शक्कर। शक्कर से जो कैरी का खट्टापन है वो बैलेंस होगा। उसी के साथ हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और तड़के के लिए हमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून राई चाहिए। और हमें कैरी की चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा तेल भी चाहिए, तो ये मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया। तो चलिए अब हम ये कैरी का छिलका उतार लेंगे और उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। देखिए मैंने कैरी को छील लिया है, अब मैं इस ग्रेटर की मदद से इस ग्रेट कर लूँगी। इस तरह से हम पूरी करी को ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने करियों को ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, के बाद हम इसमें डालेंगे राई, ज़ीरा, राई और ज़ीरा को थोड़ा तड़कने देंगे। अब हम इसमें लहसुन इस तरह से दरदरा पीस कर डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चटनी में। उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए। 1 मिनट तक हमें इसे इसी तरह से पकाना है। उसके बाद हमने हमारे ये जो सूखे मसाले थे, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक, ये डालेंगे। सिर्फ शक्कर अभी नहीं डालेंगे हम, और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये कड़ी पत्ता और हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा तड़का तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा लो ही रखेंगे, और अब हम इसमें ये ग्रेटेड कैरी ऐड कर देंगे। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है हमें। देखिए मैंने सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पर आप नमक, मिर्च वगैरह चेक कर लें, कुछ कम ज़्यादा हो तो इस वक्त आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल ऐड किया है, और ये जो शक्कर है वो भी मैं अभी इस वक्त ऐड कर दूँगी। और अब हमें इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाना है, धीमी आंच रखेंगे हम। तो चलिए अब हम ढककर इसे एक से दो मिनट के लिए ही इसे पकाते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और हम चेक करेंगे कि किस तरह से बनी है हमारी ये चटनी। वाओ, बहुत ही लाजवाब लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है, खुशबू बहुत आ रही है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए हमारी ये चटपटी और मज़ेदार कैरी की चटनी रेडी है। ये चटनी आपके लंच और डिनर का जायका बढ़ा देगी। ये चटनी आप फ्रिज में रखकर 8 से 10 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।